मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर इनलाइंस को किसी ने सही साबित किया है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग जगत में अपने रियलिस्टिक वर्क से प्रभावित करने वाले लीडर श्री लाल बहादुर शर्मा, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर यह दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद पूरा बचपन और पूरी जवानी परेशानी में गुजारने वाले श्री लाल बहादुर शर्मा ने किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 मई 1966 से, जब उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक गांव में लाल बहादुर शर्मा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री मोहनलाल शर्मा था, जो कि पेशे से एक हलवाई थे, और थोड़ी सी इनकी जमीन भी थी जिस पर यह खेती किया करते थे। और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती रेशो देवी था, जो कि एक कुशल गृहिणी थी। हालांकि दोस्तों, लाल बहादुर शर्मा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, और इसी जमाने में दयानंद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन शर्मा जी के पिता यह जानते थे कि उनके बेटे को यदि हलवाई की दुकान से हटकर कोई और काम करना है तो इसके लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। इसीलिए गांव के ही एक स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया, जहां से इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। और इसी दौरान श्रीमती रूप देवी के साथ इनका विवाह भी हो गया। और अब समय शुरू हुआ संघर्ष का। तो शर्मा जी ने कई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया, लेकिन हर जगह सिर्फ नो वैकेंसी। हाथ पसीने से भीग रहे थे, लेकिन साथ में कोई आर्थिक रोजगार नहीं था, और जीवन छटपटाहट में बीत रहा था। अब तक शर्मा जी 4 मासूम बच्चों के पिता भी बन चुके थे। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी, लालन पालन की फिक्र शर्मा जी को बहुत ही परेशान करती थी। और इसी समय माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने इन्हें पूरी तरह से कमजोर बना दिया। ये पूरी तरह से टूट चुके थे। अब पिता के स्थान पर लाल बहादुर शर्मा आ चुके थे, और जमीन भी गिरवी रखी जा चुकी थी। एलबी शर्मा पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे। अब तक तो इनका घर भी पूरी तरह बंजर हो गया था। लेकिन ऐसे बुरे समय में जिंदगी मुस्कुराई, और शर्मा जी ने सेफ शॉप का प्लान देखा। तब इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जिसकी तलाश जिंदगी को थी वह सेफ शॉप है। अब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था कि यहां से वह अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मुसीबत सामने यह थी कि वह ज्वाइनिंग कैसे लें। ऐसे कठिन परिस्थिति में किस्मत इनका साथ दिया, और इसी समय सन 2006 में इनकी बड़ी बेटी की छात्रवृत्ति आई। इन छात्रवृत्ति के पैसों से शर्मा जी ने सेफ शॉप ज्वाइन किया, और निकल पड़े उस सवेरे की ओर जहां कभी अंधेरे की रात नहीं होती। और यहीं से एलबी शर्मा ने यह भी ठान लिया कि वह सेफ शॉप में ही अपना करियर बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, यह डिसीजन लेना तो आसान था, लेकिन इस पर काम करना उतना ही मुश्किल। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जगत में किसी भी लीडर को स्टार्टिंग में 2 मेंबर तो बनाने ही पड़ते हैं। हालांकि शुरुआती कुछ महीने दर-दर भटकने के बाद भी उन्हें कोई मेंबर नहीं मिल सके, लेकिन शर्मा जी ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए प्लान दिखाने जारी रखे। और फिर 6 महीनों के कठिन संघर्षों के बाद उन्हें लेफ्ट में एक लीडर मिल ही गया, और उसके 3 महीने बाद उन्हें राइट में भी एक लीडर मिल गया। और इसी प्रकार धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनके साथ लोग जुड़ने लगे थे। हालांकि यह काम इतने भी पैसे नहीं दे पाते थे कि शर्मा जी अपना घर ठीक तरीके से चला सकें। वैसे देखा जाए तो सेफ शॉप में उनका उज्जवल भविष्य उनका इंतजार करने लगा था। और फिर ऐसे ही करके आगे कई सालों तक शर्मा जी अपने लीडर्स के साथ प्लान दिखाते रहे, और सभी ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करते रहे। हालांकि दोस्तों, इन्हें सिल्वर और गोल्ड बनने में तो 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अब समय भी आगे बढ़कर हो चुका था 2009 का, और अब वह तरक्की की ओर लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। और उनके शानदार काम को देखते हुए सेफ शॉप के लीडर्स के द्वारा वह सम्मानित भी किए गए। इन बड़ी सफलताओं के बाद से शर्मा जी बड़े लीडर्स की नजरों में आ चुके थे, और इसीलिए उन्हें बहुत सारी मीटिंग्स और सेमिनार में बोलने का मौका भी मिलने लगा। और अब तक वह 8,500 से भी ज्यादा की टीम के एक सफल लीडर बन चुके थे। और दोस्तों, समय बीतता गया, और सेफ शॉप का सबसे लोकप्रिय पद जिसे हम डायमंड कहते हैं वह वहाँ भी पहुँच गए, और अपने शानदार काम के जरिए उस पद का नाम और भी बढ़ाया, और अपने रियलिस्टिक वर्क का जलवा पूरे भारत को दिखाया। और दोस्तों, डायमंड बनने के बाद वह रातों रात सबके चहेते बन गए। बहरहाल दोस्तों, अब तो एलबी शर्मा के शानदार वर्क से हर कोई वाकिफ है, लेकिन उन्होंने जिस तरह एक छोटे से गाँव से उठकर पूरे सिस्टम पर अपने शानदार कार्य के जरिए राज किया वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, शर्मा जी सेफ शॉप से आज हर हफ्ते मोटी रकम कमाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपना कीमती समय बचाते हैं, तथा अपनी फैमिली के साथ खुलकर खुशियां उड़ाते हैं। आशा करते हैं कि वह आगे भी अपने शानदार टैलेंट से हम सभी को मोटिवेट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि लाल बहादुर शर्मा की इस लाइफ स्टोरी ने आपको भी जरूर इंस्पायर किया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।